Subscribe to EVA Study Hub and don't forget to press the bell icon for latest updates. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ईवे स्टडी हब एंड ईवे टू सक्सेस। दोस्तों, माइक्रोवेव का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में माइक्रोवेव पढ़ते क्यों हैं, इसका हमारे लाइफ में यूज क्या है। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ अपने आस पास आपने कभी ना कभी माइक्रोवेव का कोई ना कोई इक्विपमेंट देखा ही होगा, जैसे घरों में माइक्रोवेव ओवन के रूप में या अपने अगल बगल लगे बड़े बड़े टावरों में एंटीना के रूप में। माइक्रोवेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या यूँ कहें कि माइक्रोवेव एक नॉन आयोनाइजिंग एनर्जी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा यूज एरोप्लेन के रास्तों को नेविगेशन में किया जाता है। रडार में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम को फोकस करके एनिमी की शिप को और उनके प्लेन्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। शिप बोर्ड रडार में स्मॉल से स्मॉल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव का यूज डिफेंस फील्ड के अलावा सिविलियन के कम्युनिकेशन फील्ड में, जैसे एंटीना, ट्रांसमिशन लाइन्स और स्पेस बेस्ड सिस्टम में, जैसे सेटेलाइट, वायरलेस रेडियो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में या फास्टर कम्युनिकेशन सर्किट्स में किया जाता है। और आने वाले दिनों में जो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है उसमें भी बेस फ्रीक्वेंसी के रूप में माइक्रोवेव के मिलीमीटर वेव का ही यूज किया जाएगा, जिससे डाटा का ट्रांसफ़र तेज़ हो सके। दोस्तों, माइक्रोवेव की थ्योरी पहले से चली आ रही सर्किट थ्योरी से थोड़ी सी अलग होती है। जैसे पहले से चली आ रही सर्किट थ्योरी में वोल्टेज और करेंट पर पूरा बेस होता है, जबकि माइक्रोवेव थ्योरी पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड होती है। अगर आपको माइक्रोवेव का और अधिक रोचक यूज जानना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दी है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।